गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज गुरु नानक जी की जयंती जो पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, मैं गुरु नानक जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान करता हूँ। सेवा और परोपकार जैसी बातें उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा कही, वो विश्व समुदाय को उनकी बात या उपदेश को आगे बढ़ाना चाहिए, सामूहिक प्रयास करना चाहिए, ताकि अच्छे समाज, अच्छे विश्व का निर्माण हो सके, उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। अब मैं नानक साहब की जयंती के दिन एक बात जो मेरे दिमाग में उपजी कि हताशा पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी विषय पर अगर कहीं खामियां कमी दिखाई दे रही है तो उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, और सेवा और परोपकार जैसे शब्दों का यदि अनुकरण कर लिया जाए तो कहना ही क्या है, चार चांद लग जाएंगे। संयमित वाणी से हमें सुधार के प्रयास करने चाहिए, मानने चाहिए। अब मैं आज व्यवस्था की तरफ बात करूंगा। जो व्यवस्था हमारे यहाँ अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था कही है, अंग्रेज में जो फ्रेमवर्क कहते हैं, ढांचा कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, वो जो चलाया जा रहा है उसमें देखने वाला बार बार कि लोग दूसरी जगह के उदाहरण देते हैं कि उस देश में ऐसा है, उसमें ऐसा, ऐसा नहीं है। हम विश्वगुरु थे नहीं, भारत शिक्षा के मामले में काफ़ी अव्वल स्थिति में है। ये विदेशी देशों को पता भी है कि यहाँ की शिक्षा का कोई मुकाबला नहीं है, शिक्षा का स्तर ऊंच है, कम नहीं है। मैं सुधार की तरफ जाऊँगा, मैं गुरु नानक देव जी की बात कुछ दिशा आगे बढ़ाऊँगा कि समाज को एक अच्छी सेवा कैसे मिले। सेवादाता जो हैं, सेवक के रूप में जो नियुक्त व्यक्ति हैं, आज मैं उनको गुरु जी की बात साझा करूँगा कि लोग इस बात से खुश हों कि ये लोग हमारे सेवक हैं। मैं सेव की साथ में कहना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में अंग्रेजी शासन के दौरान विशेष रूप से मैं कहूँगा कि प्रशासकों की नियुक्ति की जाती थी, एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर एक इस प्रकार का शब्द तैयार किया गया था कि अधीनस्थ कार्य करने वाले लोगों में आम जनता में अपनी, कहा जाए तो ये कहना चाहिए, बड़ा धमक दिखाई, यानी अपना प्रभाव दिखाए और उनको मानसिक रूप से अपने अधीन लाने का प्रयास करे कि मैं काफ़ी सुप्रियर हूँ। उसका बड़ा बुरा परिणाम निकला, संवादहीनता की स्थिति पैदा हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी लोग वरिष्ठ अधिकारियों से दूर जाते चले गए। आज मैं सरकारों से, राज्य केंद्र सरकार जहाँ भी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस दौर में प्रशासक नहीं, प्रबंधक तैयार करें। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों से ये बात साझा कर रहा हूँ। कल क्यों मैंने सुना था, राजस्थान में भी जो शिक्षक सम्मान दिवस के समय पर कुछ शिक्षकों ने
और मुख्यमंत्री महोदय को बताया कुछ, वो अखबार की सुर्खियों में उसी लाइन में नहीं कह सकता, उन्होंने जो जिस ढंग से कुछ बातें रखी थी उनकी प्रशासनिक खामियों पर लेकर, उनके विभाग की खामियों को लेकर कि वहाँ ट्रांसफरी आधार पर की जाती स्थानांतरण। स्थानांतरण पर मैं एक छोटी बात साझा करूँगा, जब ये बात चल गई राजस्थान की हो चाहे अन्य प्रदेशों, बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैच्योरिटी जो लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसमें सबसे बड़ा ये भी देखा जाता है कि ट्रांसफ़र जो पैटर्न हो वो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो, इरेगुलरिटीज ना हो, उसमें अनियमितता ना हो, कोई विधायक या सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा ना करे। किसी व्यक्ति का कहीं अगर स्थानांतरण दूर दराज में किया जा रहा है तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए कि इस वजह से किया जा रहा है। अगर किसी महिला कर्मचारी का जो अगर पदस्थापन किया जा रहा है तो ये ध्यान दिया जाए कि प्राथमिकता उसके स्थायी निवास स्थान के नज़दीक हो, उसके बाद वो खंड स्तर को प्राथमिकता रखा जाए, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर यानी दूसरे जिला सीमावर्ती जिलों का मामला रखा जा सकता है। क्यों, ये बात भी काफ़ी बड़े पैमाने पर सामने आ रही है, इस तरह की अनियमितता अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा देखने में आ रही है। उसमें राज्य सरकारों को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रशासक ना रखें, अपने कार्य करवाने के लिए प्रबंधक रखें। हमें इसी टॉपिक पर आऊँगा, गुरु नानक देव जी की सेवा भाव से, परोपकार से, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सेवादायी बनाना है, लोगों को लगे कि शासन हमारी सेवा के लिए, हमें शासित करने के लिए, हमारी सेवा के लिए शासन। उसी में सेवा वाले शासन की तरफ जा रहा हूँ कि प्रशासकों को भविष्य में कम से कम तैयार करें, प्रबंधक ज़्यादा तैयार करें। मेरा निजी अनुभव है कि काफ़ी बड़ी संख्या में देख रहा हूँ अधीनस्थ पदों पर जो लोग नियुक्त हैं या जो किसी पद पर नियुक्त नहीं है, उनमें से भी और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी, क्यों मेरी शिक्षा प्रबंधक की रही है मुझे पता है, तो कई बार मैं देखता हूँ जो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों से जो कोई बात करने का मौका मिला है तो काफ़ी व्यक्ति हमसे कमतर प्रबंध के ज्ञान वाले मिले। प्रशासनिक ज्ञान हो सकता है अधिकारियों को ऑर्डरिंग करने का, उनका पैटर्न की बात नहीं करूँगा, परंतु अगर प्रबंधन की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छी खासी उनकी योग्यता दिखाई नहीं दी। मैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को कहूँगा कि वो प्रबंध की योग्यता वाले कार्य सीखें, प्रबंध की डिग्रियाँ हासिल करें। जब उनको ये कहा जाता है कि वो बाहर जा रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं, तो मैं सरकारों से कह रहा हूँ कि मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी ज़्यादा प्रबंध के ज्ञान से युक्त नहीं हैं। इसमें यदि किसी को आपत्ति हो तो उसका हम बिल्कुल सिद्ध करने का प्रयास भी करें, उनका जो एक प्रकार से अगर वो कूद इस तरह को काटेंगे तो हम उनको सिद्ध भी करेंगे कि भाई इस तरह की इनकी मैनेजरियल जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और कोई 2 करोड़ का आबादी का राज्य, कोई 6 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कोई 14 करोड़, 25-20 करोड़ तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, तो उनके मुख्य सचिवों पर काफ़ी भार है योग्यता का, यानी कार्य का, कार्य कुशलता का, कि वो अपनी इफिशियंसी दिखाएं उन लोगों को सेवा देने का, उन लोगों को गरीबी से बाहर लाने का और उनको अनुशासित जिंदगी और सम्मानित जिंदगी देने का, उन लोगों पर भार है। और वो उसको कैसे बयान करें, उसका निदान कैसे करें, उसके कारण उपाय कैसे ढूंढें, इस पर ध्यान दें। और मैं ये राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि उनके मुख्य सचिव जो हैं वो प्रबंध के स्तर पर, मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत उच्च श्रेणी के प्रबंध के ज्ञान से युक्त नहीं है। अगर किसी राज्य सरकार को इस संबंध में आपत्ति हो तो मैंने पहले कहा कि वो ये स्टेटमेंट वाद के योग्य भी है, अगर कोई इसका खंडन करे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है, पर्याप्त सिद्ध करने के लिए हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उनकी प्रबंध की योग्यता कमज़ोर है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो भारतीय प्रबंध संस्थान जो बड़े बड़े प्रबंधक तैयार करते हैं मुझे पता है, उनकी प्रबंध की योग्यता काफ़ी अच्छी है, परंतु देखने में आता है या तो विदेश में उनको सेवा का मौका मिल रहा है या निजी संस्थानों में जा रहे हैं। नहीं, मैं आह्वान करता हूँ, 20 भारतीय प्रबंध संस्थान हैं, प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी धमक है विश्व स्तर पर। उनसे निकले छात्रों को बड़े अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं करोड़ों में सालाना एनुअली,
मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सरकार भी उनको मौका दे कि आप यहाँ भारत में अलग अलग राज्य सरकारें भी आ गए कि आपको हम आमंत्रित करते हैं हमारे उस विभाग में, आप उन्हें प्रबंध की योग्यता दिखाएं और हमें लाभान्वित करें। तो मैं प्रबंध के छात्रों का हौसला अफजाई के लिए भी ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ कि वो उनके पास पर्याप्त ज्ञान है और संस्थानों की अच्छी प्रतिष्ठा है, विश्व वैश्विक स्तर पर भी उनकी धाक है, धमक ऐसी बात नहीं है। अहमदाबाद, IIM, बम्बई, कलकत्ता, ये जो पुराने इंस्टीट्यूट, इनकी तो बहुत पुराने समय से नाम चल रहा है। अभी IIM रोहतक है, लखनऊ, ये कई जो संस्थान आए हैं इन्होंने भी अच्छा किया है। तो मैं पुरजोर प्रार्थना करूँगा सरकारों से कि उनको मौका दें और मुख्य उत्सव के जो अधिकारी हैं वही लोग नियुक्त करें जो प्रबंध के ज्ञान से युक्त हों और प्रोडक्टिव, यानी सेवा तंत्र को मजबूत करें, अनुशासन और गरीबी मुक्त समाज के निर्माण, अनुशासित और गरीबी मुक्त समाज के निर्माण की जो रोड मैप है उपलब्ध संसाधनों से वो तैयार करें और समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करें। धन्यवाद।